सभी छात्रों के लिए कंप्यूटर से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर के आया हूँ। मैं इरफान खान एसआर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये टोटल चार तरह का होता है। सबसे पहला बाइनरी नंबर, नंबर टू ऑक्टल नंबर, नंबर थ्री डेसिमल नंबर और नंबर फोर हेक्साडेसिमल नंबर। इसको कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए इसके लिए बेस है यहाँ पर। अगर बाइनरी है तो उसके नीचे बेस होगा दो, ऑक्टल है तो ऑक्टल के नीचे बेस होगा एट, अगर डेसिमल है तो डेसिमल के लिए बेस होगा टेन और हेक्साडेसिमल है तो बेस होगा सिक्सटीन। अब ये कैसे पहचानेंगे किसकी कितनी वैल्यू है? तो वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ेगा। देखिए बेस के अकॉर्डिंग ही वैल्यू को पहचाना जाता है। वैल्यू जीरो और वन, इसकी जो होती है वैल्यू वो होती है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। इसकी जो वैल्यू होती है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एंड फिफ्टीन। टेन से लेकर के जीरो से नाइन तक तो होती है सात पे। टेन इज इक्वल टू ए, एलेवन इज इक्वल टू बी, ट्वेल्व इज इक्वल टू सी एंड थर्टीन इज इक्वल टू डी, फोर्टीन इज इक्वल टू ई एंड फिफ्टीन इज इक्वल टू एफ। यानी ए बी सी डी ई एफ, यहाँ तक की जो वैल्यू होती है ए से लेकर के एफ तक और जीरो से लेकर के नाइन तक जो नंबर्स होते हैं वो हेक्साडेसिमल में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग कन्वर्जन जानते हैं। कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है नंबर सिस्टम का? नंबर सिस्टम का जो कन्वर्जन है उसके लिए हर एक चीज़, जैसे सिंपल सा है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कन्वर्जन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं, हमको 64 को कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एलसीएम का प्रोसेस यूज करेंगे। एलसीएम का प्रोसेस यूज करने के लिए सबसे पहले इस तरह से लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जो वैल्यू है 64 यहाँ पे लिखी जाएगी और इसको दो से डिवाइड करेंगे। जितनी बार यहाँ पे जाएगा, जितने टाइम तक जाएगा वो यहाँ पे जो रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थ्री टाइम तक गया, उसके बाद ये गया टू टाइम तक। यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो आया जीरो, फिर यहाँ पे लिया, फिर टू से डिवाइड किया, वन टाइम तक गया, यहाँ पे कैरी लिया वन, टोटल हो गया 16। अब यहाँ पे फिर से जीरो आ गया, फिर टू से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से टू से डिवाइड करें, एट टाइम तक जाएगा, ये भी जीरो आया, फिर टू से डिवाइड किया, फोर टाइम तक गया, रिमाइंडर बचा आपका जीरो, फिर टू से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद फिर टू टाइम तक जाएगा और जाने के बाद यहाँ पे फिर से जीरो, नेक्स्ट वन टाइम तक जाएगा और यहाँ पे जीरो। ये भी शेषफल है तो इसको भी आप इधर लिख दीजिए, इस साइड में यहाँ पर लिख दीजिए और लिखने के बाद नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे। यानी लिखने का जो तरीका होता है बाइनरी को नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो ये इसका आंसर ये होगा 1000000, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर छः जीरो लगेंगे और वन
एक टाइम आएगा, और यहाँ पे हमने लगा दिया बाइनरी का टैग। तो ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और बाइनरी से डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, इसी का उल्टा करके देखते हैं कि बाइनरी से इसको हम कह भी सकते हैं। रिजल्ट देखना हो तो रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहला लिखा है बाइनरी टू डेसिमल, इसको हमको यहां पर निकालना है। बाइनरी की वैल्यू कुछ इस तरह से दी गई है, 1 1 0 1 1, ये दी गई है, ये हमारी बाइनरी की वैल्यू, और हमको निकालना है डेसिमल। इसको निकालने के लिए सबसे पहला तरीका हमारा यहाँ है सिंपल सा, पहले हम दूर दूर सारी बाइनरी डिजिट को लिख लेंगे 1 1 0 1 1। उसके बाद इस साइड से हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 0 से लगाते हुए चले आएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। उसके बाद सारी जो पावर की वैल्यू है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 एंड 2 की पावर 4 का मान 16। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका काम खत्म हो गया पावर का, बाइनरी की वैल्यू से और पावर की वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स गुणा कर देंगे। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 आएगा, 16 का गुणा 1 से करेंगे तो 16 आएगा। अब इसी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर जो भी डिजिट होगा वो आपका जनरेट हो जाएगा 24, 26 और एक 27, यानी इसका आंसर आया 27 डेसिमल।